सब्सक्राइब कीजिए इन्फोटेक टॉक्स इन्फॉर्मेटिव टेक्निकल वीडियोस के लिए, और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि लेटेस्ट वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए सबसे पहले। सो वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस, मैं हूं आपका दोस्त भास्कर वर्मा, लेके आया हूं HTML सीरीज की एक और वीडियो। दोस्तों पिछली वीडियो के अंदर हमने डिस्कस किया था हाइपरलिंक के बारे में कि एक टेक्स्ट को हाइपरलिंक कैसे बनाया जाता है, कैसे एक लिंक अटैच किया जाता है एक टेक्स्ट या एक लाइन के साथ, उसके बाद उसे न्यू टैब में कैसे ओपन करवाते हैं। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं मल्टीमीडिया कुछ फाइल्स को इम्पोर्ट करवाने के बारे में, जिसमें से एक है इमेज। तो HTML पेज के अंदर हम जो है इमेज कैसे इम्पोर्ट करवाते हैं उसके बारे में हम आज देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फटाफट से मैंने अपनी इंडेक्स फाइल ओपन कर ली है, ठीक है, और अपना वेब पेज ओपन कर लिया है डिस्प्ले करवाने के लिए रिजल्ट। तो दोस्तों इमेज जो कि एक मल्टीमीडिया फाइल है उसको कैसे इम्पोर्ट करवाया जाता है, ठीक है, तो मैं बताता हूँ। ये जस्ट मैंने लिखने के लिए यहाँ पे डाला है, br इसलिए डाला है कि मिक्स जाए, ठीक है। ये इमेज बस बताने के लिए कि हम इमेज प्लॉट करवाने वाले हैं, इसके अंदर इमेज प्लॉट करेंगे, और br मैंने दिया है कि नेक्स्ट टैब में ओपन हो जाए। तो इमेज के लिए जो हम टैग यूज करेंगे वो होगा img करके, ठीक है दोस्तों। तो img करके जो है इसका टैग यूज होगा, और ये लीजिए। तो अब बात कर लेते हैं इसके अंदर जो एट्रीब्यूट आया हुआ है src और alt के बारे में। तो src जो है ये सोर्स होता है आपकी फाइल का, कि आपकी इमेज फाइल कहाँ पड़ी है, वो किसी वेबसाइट पे है या आपके पीसी में किसी लोकेशन पे है, तो वो कैसे डालते हैं। और alt का मतलब ये होता है कि अगर आपकी ये इमेज डिस्प्ले नहीं होती किसी रीजन से, मान लो आपकी रीजन जो इमेज है उसकी एक्सटेंशन कुछ ऐसी है जो आपके वेब पेज को समझ नहीं आती, ठीक है, जैसे नॉर्मली jpeg jpg png वगैरह ईमेल जो होती है वो सब हमारा वेब पेज रीड कर लेता है, बट कुछ टाइप ऐसी हो सकती है जो रीड ना कर पाए या किसी रीजन से डिस्प्ले ना कर पाए, तो यहाँ पे वो मैसेज डिस्प्ले कर दे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं इमेज सोर्स के बारे में। तो मैंने एक इमेज जो है बाय डिफॉल्ट फोल्डर के अंदर डाउनलोड करके रखी हुई है, ठीक है। अब एक चीज ध्यान रखिए, जिस पेज के अंदर आपकी इंडेक्स फाइल है यानी आपने जहां पे कोड लिखा हुआ है सेम, अगर उसके अंदर आपकी इमेज फाइल पड़ी है तो आपको जस्ट क्या करना है, दैट्स इट, आपको सिर्फ उसका नाम देना है इमेज का विद एक्सटेंशन। ये देखिए jpg फाइल, आप इस पे क्लिक करेंगे इसकी प्रॉपर्टी देखेंगे तो भी ये jpg फाइल आपको दिखाएगा, ठीक है। तो आपको जस्ट क्या करना है, इसके अंदर सोर्स के अंदर इसका नाम लिख देना है, और यहाँ पे आप इसे एक बार खाली छोड़ दीजिए, मैं आपको इतना दिखा देता हूँ। ये देखिए आप जैसे आप इमेज ये हमने लिखा हुआ था उसके बाद आपके आईफोन 10 की इमेज आ गई। मैंने सिर्फ इसका इमेज का नाम और इसकी एक्सटेंशन दी है। ऑल्ट के अंदर मैंने कुछ नहीं डाला क्योंकि मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ। यहाँ पे br टैग दे देंगे ताकि ये मिक्सअप ना हो, बिल्कुल ये अब नेक्स्ट लाइन में आ गया, ठीक है। तो अब ऑल्ट का काम क्या होता है, ठीक है। अब मान लो मैंने इसके अंदर एक कुछ भी कर दिया, हल्का फुल्का छेड़छाड़ मैंने इसके साथ कर दी, तो ये देखो दिख रहा है आपको, थोड़ा क्लियर विजन के लिए मैं आपका 2-3 ब्रेक टैग और डाल देता हूँ इसमें। ये आपने सिंबल बहुत बार देखा होगा ये वाला वेबसाइट्स के ऊपर, ये क्या होता है, या तो वो इमेज सोर्स लोकेशन पे नहीं रहती किसी रीजन से, या उस इमेज का यूआरएल गलत डाला गया है, नाम गलत डाला गया है, तो क्या होगा ये ऑल्ट मैसेज होगा वो डिस्प्ले कर देगा कि दिस ब्राउजर डजंट सपोर्ट इमेज टाइप या डजंट सपोर्ट दिस टाइप ऑफ इमेज, ठीक है। तो अगर इमेज इंपोर्ट नहीं होती तो ये मैसेज आएगा, वो भी ऑल्टरनेट है। अगर ये इमेज बिल्कुल सही होती है तो ये मैसेज नहीं आएगा, आप देख रहे होंगे, क्योंकि ये ऑल्ट में डाला हुआ ये ऑल्टरनेटिव मैसेज। अगर इमेज ना आए, ये चीज अगर सोर्स वाली गलत हो, अगर ये सक्सेसफुल ना रहे आपका ऑपरेशन, तो ये मैसेज आए, ठीक है। तो इस बारे में ये था। दूसरा, अगर आपकी इमेज सेम लोकेशन पे नहीं है, मान लो यहाँ पे इंडेक्स थी, यहाँ पे आईफोन की अगर ये इमेज नहीं है,
तो हम इसको यहाँ से कट करेंगे और अपने डेस्कटॉप पे ले जाएंगे और इसे यहाँ पे पेस्ट कर देंगे आईफोन की इमेज को, ठीक है। अब दोबारा से हम उसे सेव करेंगे, पेज को लोड करेंगे। देखिए फिर से इमेज गायब हो गई क्योंकि हमने सिर्फ यहाँ पे इमेज का नाम दिया होगा, और ये सिर्फ तब होता है जब आपकी जो ये इंडेक्स फाइल है वो सेम फोल्डर के अंदर हो। बट इंडेक्स फाइल के अंदर जहाँ पे फोल्डर में इंडेक्स है वहां पे कोई इमेज नहीं है, तो इसलिए उसने इमेज को नहीं दिखाया। तो इस केस में हम क्या करेंगे, यूआरएल हम यहाँ से कॉपी कर सकते हैं। सॉरी, ये रहा यूआरएल। बैटरी लो हो गई, कोई बात नहीं। ठीक है, तो आईफोन x.jpg रिफ्रेश करके देखते हैं, क्या बात है, इमेज आ गई। तो अब ये हमने पूरा डाल दी कि सी ड्राइव के अंदर यूजर्स, फिर लिनोवो, फिर डेस्कटॉप के अंदर इमेज का नाम है, ये हमने अब पूरी की पूरी उसकी लोकेशन टाइप कर दी। अब दोबारा से इसने इमेज को पिक कर लिया है। तो ये तो आज का अपना टॉपिक, आशा करता हूँ आपको ये टॉपिक जरूर समझ में आया होगा। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो के बाद के लिए आप जरूर ट्राई करेंगे। डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। मिलते हैं एक नए टॉपिक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।